इंटरेस्ट। पार्टियों के प्रवक्ताओं को तो निश्चित तौर पर अपनी पार्टी के लिहाज से कहना चाहिए और कहते भी हैं, ठीक है, ये उनका काम है, उसको वो ईमानदारी से करते हैं। लेकिन बहुत साफ दिख रहा है कि पिछले करीब 6 महीने से तेलंगाना में समीकरण पूरी तरह से बदल गए। एक तो ये कि कांग्रेस का सेंटिमेंट वहां अचानक बेहतर हुआ है, तेलंगाना से, यानी जो बीआरएस पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, उससे ढेर सारे नेता छोड़ छोड़ कर वहां गए हैं। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी प्रदेश अध्यक्ष बदला है, वो बहुत साफ संकेत है कि उतनी एग्रेसिव नहीं होने वाली है भारतीय जनता पार्टी। जी किशन रेड्डी के साथ बहुत स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी की कैंपेन उतनी एग्रेसिव नहीं होगी। ये जो 3 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, 70 लोकसभा सीटें हैं, और कर्नाटक को छोड़ दें तो इन दोनों ही जगहों पर बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, ना तो आंध्र प्रदेश में ना तेलंगाना में। तेलंगाना में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली थी, लेकिन अब उसको ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि हमारे पास सीधे अलायंस या इनडायरेक्ट अलायंसेस के तौर पर कुछ पार्टियां होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वाईएसआर कांग्रेस और बीआरएस, ये दोनों एनडीए के इनडायरेक्ट अलाइज के तौर पर काम कर रहे हैं, ये लोकसभा राज्यसभा में भी करते हुए दिखेंगे और पॉलिटिकली मिस्टर भी करते रेड्डी, हुए। मिस्टर रेड्डी इज वेरी अपसेट विद योर एनालिसिस, मिस्टर नहीं रेड्डी। नहीं यू डोंट हैव एनी राइट टू से लाइक दैट। नो 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 मिस्टर हर्षवर्धन, यू कैन नॉट ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड यू नो इट इज नॉट करेक्ट ऑन योर पार्ट टू से सच थिंग। वी डोंट हैव टू टो द लाइन ऑफ इधर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी। वी हैव ऑलरेडी टोल्ड मेनी अ टाइम्स वी हैव रिपीटेडली सेड वी विल मेंटेन इक्वल डिस्टेंस विद बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी। वी डोंट हैव टू ईदर सपोर्ट एनी ऑफ दिस पार्टीज। बट सर वी आर राइट वेरी नाउ इवन स्ट्रांग इन पीपल आर लाइक स्टेट। वी डोंट नीड एनी अजीत सपोर्ट ऑफ दिस पवार, पार्टीज। प्रफुल्ल पटेल आर एंड सेइंग व्हाट आर दीज ऑपोजिशन पार्टीज, द पर्सन हु इज गोइंग टू कम इनटू पावर इन 2024 इज नरेंद्र मोदी, इज इट इन योर इंटरेस्ट देन और आर यू कंसिडरिंग योर इंटरेस्ट देन दैट्स देयर इन ओपिनियन मेंटेनिंग कॉर्डियल पर मैटर दैट इज रिलेशनशिप देयर विद देम? ओपिनियन फॉर आवर राइटफुल बेनिफिट्स व्हाट एवर टू कम टू आवर स्टेट। It is a right and it's a responsibility to get it from the center. We don't have to beg before them. And number two, BJP in the past 9 years, as I was saying, they have not honored any of the bifurcation promises that were promised during the bifurcation. Why should we support? We are the party, our leader fighting against BJP. We fought very strongly on the anti-farmer laws and many other things. We are the only party voicing out. And it is a Congress strategy in Telangana just to prove that they are, in straight fight with BRS. Neither Congress party nor BJP in straight fight with us. They are in a distant second to us. So our formation of government successively for the third time is for sure. We don't need to, join any of these forces. Even if you don't And join, the you don't think branding you're going to of have BRS, a you're going to joining have a or healthy directly working directly relationship with supporting. the BJP, just like Mr. Jagan's party is having? Cordial. We always wanted and maintain according government to government. It is nothing to do with politics. It's our right and their responsibility if they form government again. Who knows who will be forming the government in the center? Okay, Irrespective of the party who will be in the before you come in, central Sanju government, Verma, I want we to will. bring